सर, सूचना प्रौद्योगिकी में जो करोड़ों रुपए मिले हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों से भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है, अब उस गंगोत्री का रुख सचिवालय तक हो गया। राजस्थान निर्माण के बाद पहला मौका है सचिवालय के अंदर, यूआईटी डिपार्टमेंट के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिले, 1 किलो सोना मिले। सरकार जहां एक एक चप्पे चप्पे पर सर्वेलेंस का दावा करती है, सरकार जहां कह रही हमारे कैमरे लगे हुए हैं, वहां सरकार की सरपरस्ती के बिना ये काम संभव नहीं। कभी बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं, उन्हें पोस्टिंग पुनः दे दी जाती है। झाझर प्रतीक झाझड़िया जी पकड़े गए, 3 लाख रुपए के साथ पकड़े गए, उन्हें फिर पुरस्कृत किया गया। SP अभिलाषा टाक शराब की तस्करी में पकड़े गए, उन्हें फिर पद स्थापित कर दिया गया। ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का सर्वे अपने आप अब सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अंदर भी कमीशन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के मंत्री घुड़ा जी ने सही कहा था कि 40% नहीं, 40% से ज़्यादा की राशि कमीशन में सरकार के उच्च अधिकारी सरकार की सरपरस्ती में वसूल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये तांडव पहले कभी नहीं देखा। जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के दावा करने वाली सरकार की अब कली बिल्कुल खुल चुकी है। सर, सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है। महंगाई राहत कैंप का ढकोसला सरकार कर रही है, जब सरकार ने अपनी अंतिम पायदान पर है। सरकार को पहले महंगाई याद नहीं आई, इन्होंने जन घोषणा पत्र में ये कहा था राजस्थान में महंगाई को कम करने के लिए हम कारगर नीति बनाएंगे, भूल गए। और अब जब जमीन खिसकती नजर आई तो पहले से सरकारी योजनाओं में जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें री रजिस्ट्रेशन के नाम पर इस तपत में, इस गर्मी में बुलाकर उन्हें भाषण पिलाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं, वही फ्यूल चार्ज के नाम पर जो राहत दे रहे हैं उससे 2 गुना से 6 गुना ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है सरकार पर, उस जनता को भिखारी बनाकर बनाने के लिए कतार में खड़ा करने का सरकार साजिश जो रची है, उसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। सरकार को इसका भुगतान समय पर करना पड़ेगा।